हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, ये जो अपडेट का वीडियो था, बीच में मैंने क्लोज़ कर दिया था। तब बहुत लोगों ने मुझे मेल करा था कि सर आप इसे कंटिन्यू ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आज से मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा रात में अपलोड करने का, बस आप लोग पर सपोर्ट दिखाना। फ्रेंड, मैं वीडियो इसलिए नहीं अपलोड करता हूँ कि रात मुझे नींद आने लगता है, इस कारण से मैं काम के साथ साथ मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो इस ये जो अपडेट वाला जो सीरीज़ है, मैं इसे लगातार अभी कंटिन्यू करूँगा। बस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा जो ये जो सीरीज़ है वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग टीचर्स करेंटली सेंडिंग डायरेक्ट ऑफर लेटर आफ्टर TRNMR, नो HR राउंड, हाई चांसेस फॉर सिलेक्शन आफ्टर TRNMR, ठीक है। तो फिर आपको मैं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा मोहम्मद समीर शेख, जो कि फिर मेरे से सब्सक्राइबर ही है, और इन्होंने कमेंट करा था। इसे कमेंट पर ऑलमोस्ट 4 से 5 लाइक आ चुके थे, मतलब कि और भी बहुत सारे लोग थे जिनको सेम इस तरह का देखने को आया था। बहुत लोगों ने मुझे DM भी करा था व्हाट्सएप पे कि सर मेरे पास जो है, मेरे पास HR नहीं हुआ था, मेरे पास ऑफर लेटर आया है, तो क्या इस मीन में सिलेक्टेड हूँ? तो यस, आप लोग सिलेक्टेड हो। देखिए फिर उन्होंने मेंशन करा, आई हैड माई इंटरव्यू ऑन 13th अक्टूबर TRNMR एंड देन आई एम वेटिंग फॉर HR, बट आई डिड नॉट गेट एनी HR मेल, आई डायरेक्टली गेट ऑफर लेटर ऑन 1st नवंबर, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस अस ब्रो। देखो एक बात बता देता हूँ, मेरे को जो लोग के मन में डाउट रहता है कि सर TCS इज़ नॉट चेकिंग माई डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर आप लोग एक छोटी सी आप लोग का कन्फ्यूज़न है। देखो जब आप जो आपका TCS नेक्स्ट स्टेप होता है, वहाँ पर ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड रहता है। आपके जो TCS के जो आपके रीज़न के जो HR होते हैं, वो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं TCS नेक्स्ट स्टेप से फेच कर लेते हैं। इसीलिए आप लोगों को दोबारा डॉक्यूमेंट चेक करना ये कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है TCS में। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ, अपडेट कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ कि इन TCS देर इज़ नो, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो भी आप लोग का चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने TRMR अच्छा से दिया होगा तो। और बता दो फिर यहाँ पर TRMR बहुत लोग ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ऑन एन एवरेज गया था, उनका भी सिलेक्शन हो गया। इट्स मीन देर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ यू आर गेटिंग अ TCS TRNMR राउंड मेल, इफ़ यू आर लाइक ऑन एन एवरेज, देन योर चांसेज आर हाई फॉर गेटिंग सिलेक्शन। ओके, बस अपना परफॉर्मेंस रखना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखना, कॉन्फिडेंस रहना, डरना बिल्कुल भी नहीं, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप लोग आंसर गलत भी देते तो अभी कोई दिक्कत लेने की बात है, आप लोग आराम से क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आफ्टर विप्रो टेक्निकल NHR राउंड आफ्टर ऑफर लेटर फॉर 2020, 2021 एंड 2022 बैच। बता दो फ्रेंड, आप लोग में से बहुत लोग मुझे कमेंट करते हो सर 2020 बैच का जो क्या ऑफर लेटर आ गया, बता दो फ्रेंड। अभी बहुत लोगों का टेक्निकल राउंड हुआ है, किसी का HR राउंड हुआ है, किसी का HR के बाद अभी तक अपडेट नहीं आया। तो मैं अपना बता दो फ्रेंड, अभी तक मेरे पास 2021 बैच को लेकर अपडेट मेरे पास नहीं आया है, लेकिन हाँ बहुत लोगों को टेक्निकल राउंड का मेल देखने को आया है, सर्वे मेल के थ्रू से आप लोगों को पता ही होगा, और HR का भी मेल देखने को आया है। तो फ्रेंड यहाँ पर इतना ये जो अपडेट आप लोग को देखने को आया है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास कोई भी जो ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि आप लोग को जो ऑफर लेटर देखने को आया है। मैं 2021 बैच का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 2022 बैच का तो LOI आ ही गया है, आप लोग का डॉक्यूमेंट, आपका जो LOI एक्सेप्ट करना, आपका पासवर्ड चेंज करना, एक्सेप्ट करना, बहुत तो बोल रहे थे मेरे जो डैशबोर्ड में शो नहीं कर रहा, तो आप लोग वेट करना, बहुत जल्द आपका भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आफ्टर दिवाली आप लोग जो विप्रो को लेकर अपडेट का वेट कर सकते हो कि आज दिवाली एंड हो गया, आज आपका हो गया 4th नवंबर, रात के हो रहा है 11:55 PM। तो अभी आफ्टर दिवाली बिफोर छठ के बीच में आप लोग का जो है अपडेट वगैरह देखने को आ सकता है विप्रो की तरफ से। एसेंचर 4th फेज एग्जाम एंड हायरिंग अपडेट, बता दो फिर एसेंचर का जो 4th फेज का एग्जाम होने वाला था, आप लोग पता होगा पहले 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में था, लेकिन अभी 1st वीक ऑफ नवंबर भी आ चुका है। तो यहाँ पर अभी इनका जो अपडेट है फ्रेंड, इन्होंने कहा है कि एंड ऑफ दिस मंथ में जो है वो लोग जो है कंडक्ट कर देंगे, तो मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा एंड ऑफ दिस नवंबर, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। इस कॉन्गियन जेंसी टेक्निकल NHR स्टिल नॉट रिसीव कॉन्गियन जेंसी एग्जाम लिंक, बता दो फ्रेंड कॉन्गियन जो है बहुत जल्द जो है 2nd फेज एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। जिनके पास अभी तक मेल नहीं है आप लोग वेट कर सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सभी को कॉन्गियन की असेसमेंट लिंक नहीं आता है, वही लोग को आता है जो लोग उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उन्हीं को असेसमेंट लिंक देखने को आता है, बाकी सबको नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वेट करो, 2nd फेज एग्जाम का बहुत जल्द कंडक्ट करवाने वाली, मैं आप लोग अपडेट कर दूंगा, आप लोग मेरे से बने रहना। थर्ड, इस कॉन्गियन जेंसी टेक्निकल HR राउंड एलिमिनेशन राउंड, बस फिर दोनों के दोनों ही आपका एलिमिनेशन राउंड है, लेकिन चांसेस आर वेरी लेस। मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन वीडियो बना चुका हूँ कॉन्गियन को लेकर। बहुत तो कमेंट करते हैं सर कि मेरा, मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, मैं इस ब्रांच से हूँ, तो क्या मुझे क्या पढ़ना चाहिए, बता दो फ्रेंड। आप लोग बस बेसिक में अपना रिज्यूमे, अपना टेक्निकल स्किल्स, जो भी आपने रिज्यूमे मेंशन कर रहा है वो, आपका प्रोजेक्ट, आपका क्या बोलते हैं उसे, अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखा होगा तो वो बताना है, बस बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज, बस
बेसिक लाइक हाउ टू स्ट्रक्चर ए प्रोग्राम, व्हाट इंक्लूड क्या होता है, हम लोग कैसे उसको प्रोग्राम बनाते हैं, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चन। बस सर्च करो ना गूगल पे हाउ टू राइट बेसिक कॉन्सेप्ट इन सी फॉर इंटरव्यू, बस आराम से क्वालिफाई करोगे अगर आप लोग नॉर्मल भी आंसर देते हो। क्योंकि देखो कॉग्निजेंसी कोई आपका डेवलपर रोल नहीं है, वो आपका सपोर्ट रोल होने वाला है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टेक्निकल पार्ट जानना कोई जरूरत नहीं, वो कोडिंग करने के लिए देगा ऐसा नहीं है, बस बेसिक पढ़ो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आगे, स्टिल के डॉक्टर आप लोग कमेंट पूछते मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।